तो चलो गाइस, अभी मैं आपको सबसे पहली ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप भी इस तरीके से ये वाटर वाली गन का यूज़ करते हो बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, तो आप लोग देख सकते हो ये थोड़ा रिस्की है। यहाँ पर आपको एनिमी देख सकता है, आप बिल्डिंग के बाहर ही अटक जाओगे और सीधा विंडो से अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपको अपना स्कोप बटन दबाना है। तो इस तरीके से जो आपकी जो वाटर की बॉल होगी ना, वो आपको दिखने लगेगी और आपको उसको प्लेस करना है विंडो के अंदर और यहाँ पर दबाना है, फिर प्रेस, आप देख सकते हो, फिर इस तरीके से आप सीधा बिल्डिंग के अंदर आ जाओगे। गाइस, ये ट्रिक काफ़ी काम की है। आप देखो, जैसी आपकी जो बॉल है ना, ये वाटर वाली, ये घर के अंदर शो होनी चाहिए, तभी आपको वो क्या बोलते हैं वहाँ पर ये प्रेस करना है और इससे आप डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर आ जाओगे। आप खिड़की पर अटकोगे नहीं, तो एनिमी आपको देख भी नहीं पाएगा। और गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी कभी क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे ऐसे बॉल लगाओगे फिर जंप करने की कोशिश करोगे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप अटक सकते हो कहीं कहीं विंडोज़ पे। उसके लिए क्या करना है, आपको बस सिंपली जंप करनी है एंड देन दबाना है, एंड बूम गाइज, आप लोग देख सकते हो सीधा बिल्डिंग के अंदर आ जाओगे। ये गाइज फास्ट ट्रैवल करने के लिए बहुत काम आएगा, आपको पता, नया अपडेट आ रखा है। और गाइज, ये चीज़ बहुत बार होती है, कभी कभी आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बॉल मारी और मैं यहाँ पर जा नहीं पा रहा हूँ, तो आपको बस सिंपली क्या करना है, जंप दबाना है और फिर वापस से वो बटन दबा देना है, तो आप इस तरीके से अंदर आ जाओगे। तो ये वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो फास्ट ट्रैवल के लिए विदाउट एनिमी स्पॉट किए हुए आपको। तो चलो गाइज, अब मैं आपको ट्रिक नंबर 2 में बताता हूँ कि आप वाइल्ड बीइंग इन कवर कैसे सामने वाला एरिया जो है वो अच्छे से आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। गाइज देखो, इस तरीके से आपको यहाँ पे वाटर वाली गन को मार देना है, फिर इस पर चिपक जाना है, तो आप लोग देख सकते हो आपका जो विजन है वो 100 से 140% तक बूस्ट हो गया है। अब आप देख सकते हो मैं कितना सामने का एरिया देख पा रहा हूँ वाइल्ड बीइंग इन कवर, और बंदे को पता भी नहीं लगा कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ पर नहीं। अगर मैं ये गन हवा में मारता तो उसको पता चल जाता, वो हमको करना नहीं है, हमको सीक्रेटली पता करना है। और गाइज, ये कहीं पर भी वॉल पे काम करती है। आप देखो, अगर मुझे इस तरीके से सामने वालों का वो देखना है कि वहाँ पर एनिमी है कि नहीं, वो पता करना है लोकेशन, तो आप देख सकते हो मैं दीवार पे इस तरीके से चिपक गया, मुझे सारे घर जो है मेरे रेंज में आ रहे हैं, मैं आराम से देख लूँगा उसके अंदर कोई बंदा कैम्प कर रहा है कैम्प नहीं, लेकिन उस बंदे को पता नहीं चलेगा मैं हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं छत पर नहीं गया, छत पर जाता तो उसको पता लग जाता, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो चलो गाइज, अभी मैं आपको ट्रिक नंबर 3 में बताता हूँ कि आप एक लिमिटेड टाइम के लिए अपनी स्टिंग रे की जो हाइट है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हो। आपको बस ये वाली लोकेशन पे इस तरीके से आ जाना है जैसे मैं आया हूँ, और गाइज आपको अपनी स्टिंग रे को ले जाना है दीवार के पास और दबा के एसेंड बटन जो है वो मारना है स्पैम, ठीक है गाइज। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये कहीं पर भी काम करती है, अगर आप कहीं पत्थर वत्थर पर अटक गए ना, तो वहाँ पर भी आप दबा के स्पैम मारो ये ऊपर वाला बटन, तो इस तरीके से आपकी स्टिंग रे ना दीवार से चिपक जाएगी। और गाइज, मैंने नोटिस किया कि ये स्टिंग रे बहुत ऊपर जा सकती है, बट इसको नीचे थोड़ा सा बेस चाहिए, तो जहाँ जहाँ पर बेस मुझे मिला इससे ऊपर तो अभी तक गेम में कोई हाईएस्ट पॉइंट मुझे दिखा नहीं। तो गाइज, आप देख सकते हो कैसे मैं एकदम चीटी की तरह चिपक के हारा हूँ इस दीवार पे, और आप दबा के स्पैम मारते जाओ। यहाँ पे आके आपको स्पैम मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके नीचे एक बेस आ चुका है सॉलिड, और फिर आप यहाँ पे चले जाओगे। बट अगर आप में गाइज मेरे जितनी थोड़ी सी चुल है, तो आपको पता है कि ये डंडे के ऊपर भी अपने को चढ़ना है, तो गाइज ये चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से अपनी जॉयस्टिक को ऊपर करो और फिर से दबा दम स्पैम मारो इसको, और फिर जो आपकी स्टिंग रे उसकी हाइट और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और आप एकदम पहुंच जाओगे इरेंगल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। अभी गाइज देखो, जब यहाँ पर आप पहुंच जाओगे ना, तो यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप यहाँ से शूट भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप एक लिमिट देखो गाइज, कितना ऊपर पहुँच गया मैं, देख रहे हो नीचे वहाँ पर बेस पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर आपको सीट चेंज करनी है, और देखो मेरे हाथ में आ गई कार 98, और मैं यहाँ पर 8x लेके पहुँच गया। तो गाइज, अगर आप भी गन लेके पहुँच गए, तो आप सोचो आप अगर एनिमी को यहाँ से मारोगे तो वो थोड़ा शॉक हो जाएगा। पहले अगर आपको किसी ने स्पॉट कर लिया, देखिएगा भाई ये पहुँचा कैसे वहाँ पे। आप देख सकते हो, अगर इसके अंदर कोई एनिमी होता और मैं उसको हेडशॉट चिपका देता, तो वो तो बिल्कुल ही शॉक हो जाता कि भाई ये कहाँ से कहाँ चला गया। और ये आप अपने दोस्तों को फन ट्रिक दिखा सकते हो यहाँ पे चढ़ के। और गाइस, अगर आप यहाँ से उतरोगे तो थोड़ी देर के लिए आपकी जो स्टिंगरे है वो हवा में रहेगी, और देखो जैसे ये है, और अगर आपको कोई देखेगा तो बोलेगा भाई साहब ये स्टिंगरे लेके पहुँचा कैसे यहाँ पे, देख रहे हो, अगर कोई ब्रिज पे होगा या कहीं पर होगा, और इतनी दूर स्प्रे कनेक्ट करने के लिए उसको भी भाई एकदम टाइम लगेगा है कि नहीं, अंटिल वो एकदम प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो। बट आप लोग देख सकते हो गाइस, ये ट्रिक है कि नहीं मज़ेदार। तो गाइज, अब मैं आपको एक फन ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको वापस से वाटर गन चाहिए, और आपको आ जाना है ये वाले पोर्टल की लोकेशन पे, और आपको एम करके मारना है यहाँ पे अपना बैलून, और फिर से इसको वापस जाना है और लीप पे दबा देना है। तो गाइज, जब भी आप लीप पे दबाओगे ना यहाँ पे जाके, तो हल्का सा हो जाएगा यहाँ पे ग्लिच स्लिच, और आप आ जाओगे इसके अंदर। तो गाइज, ये वैसे कुछ काम की तो इतनी ट्रिक है नहीं, बट ये स्टिल एक फन ट्रिक है। तो और अगर आपको इससे बाहर निकलना है, आपको बस यहाँ पे इस तरीके से नीचे आ जाना है और थोड़ा सा तैरोगे और वापस आप आ जाओगे पानी के अंदर। और गाइज, अगर ये चीज़ आप दूसरे वाले पोर्टल पे करोगे, तो ये चीज़ थोड़ी फन वाली है। आप देखो यहाँ पे मारा, और आपको जैसे ये जाना लीफ दबा के पीछे करनी है जॉयस्टिक गाइज, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका पैराशूट खुल जाएगा, लेकिन पानी के अंदर। तो यहाँ पे आप थोड़ा डामाडोल हो सकते हो, ये अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, शौक कर सकते हो कि भाई देख मैं तुझे कुछ नया दिखाता हूँ। एनिमी के सामने कर दोगे तो मुझे पता नहीं अगर आपको गोली पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी, नहीं पड़ती है तो मुझे बताना, और उसके बाद आप थोड़ी देर में टेलीपोर्ट करके नीचे आ जाओगे। तो ये फन ट्रिक है।
तो गाइज अभी मैं आपको एक और फन ट्रिक बताता हूँ, लास्ट ट्रिक अपनी ट्रिक नंबर 5। तो गाइज अगर आप स्टिंगरे के ऊपर आपके पास अगर ट्राइडेंट है, थोड़ा डामाडोल करोगे ना, इसको इधर उधर घुमाओगे, मैंने नोटिस किया, ऊपर नीचे दाएं बाएं स्पैम मारोगे, और फिर जब आप नीचे उतरोगे तो बूम, आप लोग देख सकते हो आपके हाथ में जो ट्राइडेंट है ना वो हो जाएगा भाई इनविजिबल। देखो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे, मैं आपको ये ट्राइडेंट इनविजिबल हो गया, लेकिन आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखो मैं मार के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो पूरे फंक्शन काम कर रहे हैं, लेकिन भाई ट्राइडेंट अपना इनविजिबल है। तो ये आप अपने दोस्तों को ये भी एक फन ट्रिक दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो भाई, तुम्हारे भाई ने भवंडर खड़ा कर दिया, लेकिन हाथ में ट्राइडेंट तो है ही नहीं। तो थोड़ा सा वो यहाँ पे मतलब एक ये गलती से डिस्कवर हो गई थी मेरे से, बट फिर से मैंने किया तो ये हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना उसको भी ऐड कर दे। तो गाइज ये एक फन ट्रिक थी, और ये भी आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हो अगर आपको ट्राइडेंट मिल गया तो। सो यस गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो गाइस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और गाइस एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी कि मैं अब भी अपकमिंग अपनी वीडियो बनाने वाला हूँ मिथ बस्टर पर। तो अगर आप लोगों को ये मिथ पता है तो फटाफट से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो। तो चलो मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या टेक केयर।